अंकिता भंडारी केस में चौंकाने वाला खुलासा, रिजॉर्ट की पूर्व कर्मचारी का सनसनीखेज दावा, पुलकित और अंकित पर लगाए गंभीर आरोप। ऋषिकेश के अंकिता भंडारी केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब बनंतरा रिजॉर्ट में काम कर चुकी एक महिला ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। महिला के मुताबिक आरोपी पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता की हरकतों की वजह से काफी दिक्कतें होती थी। महिला के बयान सामने आने के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट में काम कर चुकी महिलाओं के बयान दर्ज करने की बात कही है। अंकिता भंडारी केस में पुलिस ने पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे और रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिजॉर्ट के असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। दरअसल मेरठ की रहने वाली महिला ने ऋषिकेश के बनंतरा रिजॉर्ट में 2 महीने काम किया था। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में महिला ने बताया कि उन्होंने ऋषिकेश के बनंतरा रिजॉर्ट में काम करना शुरू किया। मई महीने में उन्होंने काम शुरू किया लेकिन जुलाई में नौकरी छोड़ दी। अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य लड़कियों के साथ बदसलूकी करते थे। वो लड़कियों को लाते थे रिजॉर्ट में, VIP भी आते थे। मैंने ज्वाइनिंग की थी वहाँ पे मई में और मैंने जुलाई में जॉब छोड़ी है। वहाँ पे लड़कियाँ आती थी और लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था। उन्होंने मुझे भी गालियाँ दी है, मुझसे ही बहुत अब्यूज लैंग्वेज यूज की है उन्होंने, अंकित गुप्ता ने, पुलकित आर्या ने, और क्या बोलते हैं, ये तीनों ही गुनेगार हैं। इस पूरे मामले में DIG और अंकिता भंडारी केस की जाँच के लिए बनाई गई SIT की प्रभारी P. रेणुका देवी का बयान भी आया है। DIG के मुताबिक अभियुक्तों की पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई किया जाएगा। इस घटना में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, उन गाड़ियों को बरामद कर लिया गया है। पुलिस दूसरे गवाहों के बयानों को भी रिकॉर्ड कर रही है। इकट्ठा किए गए सबूतों की जांच हो रही है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। रिजॉर्ट में काम कर चुकी कुछ महिलाओं के बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुके हैं और उसके उनके परिवार को भी जानकारी दे दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में। और कितना भी वो पहले कुछ महिलाओं वहाँ पर रिसोर्ट में काम करना इसे हमारा जानकारी हुआ है, उनके संबंध में भी अभी जानकारी ले लिया है। उनका स्टेटमेंट भी जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड किया जाएगा और PCR के लिए हमने अभी अप्लाई कर रहे हैं, सो PCR लिया जाएगा। दरअसल पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट निवासी 19 वर्षीय अंकिता भंडारी बनंतरा रिजॉर्ट में काम करती थी। उसका सब ऋषिकेश के पास चीला नहर से बरामद हुआ था। अंकिता 6 दिनों से लापता थी। शव मिलने के बाद खूब हंगामा भी हुआ था। एम्स के 4 डॉक्टरों की टीम ने अंकिता का पोस्टमार्टम किया। एम्स ऋषिकेश की ओर से जारी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अंकिता भंडारी के शव पर मौत से पहले घाव के निशान मिले हैं। दूसरी तरफ शुरुआती जांच में मौत को डूबने से होना बताया गया था। इन सब के बीच बनंतरा रिजॉर्ट की पूर्व कर्मचारी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। महिला ने आरोपी पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।